सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है वो ओला स्कूटर के बहुत सारे जो लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं उसके बारे में है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ओला स्कूटर की जो एक्चुअल रेंज है वो क्या है, और ओला बहुत सारे ऐसे जो कस्टमर है जिनको स्कूटर है वो डिफेक्टेड मिल रहा है, और बहुत सारे जो पैनल गैप है वो क्यों आ रहे हैं, और भी जो सर, और लास्ट में मैं अपना जो मेरा जो डिलीवरी स्टेटस है अभी क्या हुआ है उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है उसके बारे में बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप सभी ने मेरी जो पिछली वीडियो थी उसको काफ़ी सारा प्यार दिया है। तो मैं अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मैं उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो रेंज को लेकर है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे जिन जिनको स्कूटर मिला है उन्होंने अपने अपने तरीके से जो है वो रेंज टेस्ट किया है, और मैं मानूंगा कि काफ़ी ये ओला स्कूटर और ओला कंपनी के लिए काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव है। जिन लोगों ने भी अपने तौर पे जो रेंज टेस्ट किया है, जो कंपनी क्लेम करती है कि वो 135, लेकिन जो डेली यूसेज के लिए जो चीज़ है जो लोग यूज़ कर रहे हैं डेली, उनका मानना है कहना कि जो स्कूटर की जो रेंज है वो 150 प्लस है। मतलब अब वो 30 से 40 के, मतलब सिटी ड्राइव कैसी रहती है, आप 40 तक ही जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे ड्राइव करके देखा और उनका जो कैलकुलेशन है वो कहीं ना कहीं उनको बताता है कि मतलब हाँ, जो उनको स्कूटर है वो तकरीबन 150 प्लस की रेंज ज़रूर देगा। तो जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है हम डिलीवरी को लेकर। बहुत सारे लोग हैं जिनको जो डिलीवरी मिल रही है वो स्कूटर में कहीं ना कहीं पैनल गैप रह जा रहा है, और मतलब स्कूटर में कहीं स्क्रैचेस लग रहे हैं। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम देखी जा रही है वो पैनल गैप्स को लेकर है। तो अब मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली लगता है कि ये जो क्वालिटी से रिलेटेड जितनी भी इशू ओला कंपनी जो फेस कर रही है, जब इनके स्कूटर जो डिलीवरी का टाइम नज़दीक आया था तो इनके जो क्वालिटी एश्योरेंस के जो हेड थे उन्होंने तकरीबन ओला से जो है वो रिज़ाइन कर दिया था, और उसके बाद इन्होंने थोड़े जो हायर अथॉरिटी से जो हायरिंग चलनी थी वो कहीं ना कहीं हुई नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली लगता है कि मतलब हाँ, जो ओला स्कूटर और जो ओला कंपनी है उनकी जो एश्योरेंस टीम है और जो श्योरिटी देती है कि मतलब हाँ, बाकी जो स्कूटर जो डिलीवर हो रहे हैं या फिर कंपनी से जो निकल रहे हैं वो एक अच्छी कंडीशन में निकल रहे हैं। तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि ओला कंपनी ने उनकी हायरिंग की है या फिर कोई क्वालिटी एश्योरेंस हेड है कंपनी में जिसके कारण ये सारी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सो फ्रेंड, जो हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो सर्विस से रिलेटेड है। जिन जिन लोगों को अभी तक जो कस्टमर को स्कूटर जो डिलीवर हुआ है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि मतलब हाँ, बहुत सारे लोगों को पैनल्स में दिक्कत आ रही है, जो स्क्रैचेज़ हैं और पैनल अच्छे से बैठे नहीं है, या फिर स्कूटर में गैप ज़्यादा दिख रहा है, पैनल्स के बीच में गैप ज़्यादा दिख रहा है, तो उन लोगों ने ओला कस्टमर केयर से बात करके और भी बहुत सारी चीज़ें जो मेल वगैरह करके जो सर्विस टीम है उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। तो सभी लोगों का कहना है कि मतलब हाँ, जो इनकी सर्विस है अभी के लिए तो अच्छी है, क्योंकि अभी बहुत कम स्कूटर जो हैं वो डिलीवर हुए हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसके पीछे काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तो सर्विस अच्छी दे रहे हैं, बस बाद में जब ज़्यादा स्कूटर हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें जो सर्विस से रिलेटेड है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो मेरी जो डिलीवरी डेट है वो कब है। तो अभी तो जो फाइनल पेमेंट का लिंक है वो बहुत सारे लोगों को जिनकी 15 से 30 की जनवरी के बीच में डिलीवरी थी, कई लोगों के आने शुरू हुए हैं अभी जस्ट। अभी तो मुझे कोई फाइनल पेमेंट का लिंक नहीं आया है, बट जिस दिन मेरे को फाइनल पेमेंट का लिंक आएगा मैं उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, और जो मेरी जो मैंने जो स्कूटर ले रहा हूँ मैं वो फाइनेंस पे लूँगा, तो मैं आपको पूरा फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी प्रोसेस रहेगा उसमें वीडियो में बताने की जरूर कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चैनल को और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।